नमस्कार, आज हम मोटापा के बारे में बात कर रहे हैं, ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओबेसिटी के तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है ओवर ईटिंग, अत्यधिक मात्रा में खाना। हमारे बॉडी को एक पार्टिकुलर मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम उस ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, जब भी हमारे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होता है तो पैनक्रियाज से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है, जितना भी एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होता है उसको लीवर में ले जाके जमा कर देता है, और लीवर में जमा किया हुआ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कहते हैं। अब अगर आप और ज़्यादा खाएंगे, उससे भी ज़्यादा, तो क्या होगा? मान लो लीवर में भी फुल हो गया है, तो अब लीवर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाके उसे जमा करना शुरू कर देगा, जिसके कारण आपका शरीर फैलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है और ओबेसिटी की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के आगे तीन कारण हैं। सबसे पहला है मिल्क, दूध जो है। आजकल आपको पता है कि हार्मोनाइज्ड होमोजेनाइज्ड दूध आ रहा है, और जो कि पूरी तरह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जो हमारे हार्मोन्स है उनको इम्बैलेंस कर देता है। और इसके अलावा सेकंड जो कारण है वो है नॉन वेज आइटम्स। ये भी हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। और तीसरा कारण है डिप्रेशन। जब भी आप डिप्रेशन में होंगे तो आपके थायराइड ग्लांड्स या पैनक्रियाज की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से ये तीन वजह हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। आप जैसे ही इन तीनों का सेवन बंद करेंगे, आपकी जो हार्मोन से इम्बैलेंसेस की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो इसमें मेजर कारण है वो है कब्ज़। कब्ज़ जब भी आपको होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में ही रह जाता है, और उसी कारण जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जो भी विजातीय पदार्थ होते हैं, और उसके कारण आपका जो शरीर है वो फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि विजातीय पदार्थ फिर बॉडी में अलग अलग जगह पर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कारण है तीन। जब आप इन तीन कारणों पर काम करेंगे, इनको बंद कर देंगे, तो 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। और बाकी की, अब आप यहाँ पे जब इन कारणों को बंद कर देंगे तो आपका वज़न यहाँ से बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो वज़न आपने अभी गेन किया है उसको कम कैसे करना है, उसके वो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सुबह सुबह आपको जो मॉर्निंग में उठ के, जैसे आपको कब्ज़ की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है करेले का जूस, इसे सुबह उठते ही आपको लेना है, आधे घंटे के अंदर ये आपका पेट जो है वो क्लीन कर देगा। और दूसरा जो है, अगर किसी को बहुत भयंकर कब्ज़ की समस्या है तो वो ये एनीमा ले सकता है। इसे तकरीबन 15-20 दिन शुरू के लें, ताकि इससे जो आपका पेट है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। इसके अलावा कई लोगों को जैसे पेट में मरोड़ की भी समस्या होती है, पेट बहुत टाइट रहता है, तो इन्हीं दो चीज़ों से वो सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है, और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करना है आपको, पूरे दिन आपको जो रसीले फल है उनका सेवन करना है फुल डे। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ नहीं खाना है। और ये मिलेट्स हैं, 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं, और रात को बना के इन्हें आपको खाना है। आगे इसे आप 2 टाइम भी खा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि एक तो आपका जो गेहूं या चावल इत्यादि जो आप खा रहे हैं, तो ये आप 1/3 ही खा पाएंगे उसका। मान लो आप 15 किलो खा रहे हैं
तो इसे 5 किलो से ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से एक तरह से आपकी डाइट वैसे ही 1/3 हो जाएगी इसको खाने के बाद। जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी डाइट 1/3 हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आपको कम एनर्जी की आवश्यकता है, कम ग्लूकोज की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लूकोज का भंडार आपके शरीर में भरा पड़ा है। जब आप कम पड़ेगा तो वो वहाँ से उठा के कंज्यूम कर लेगा, आपके लीवर में पड़ा हुआ, आपके पूरे बॉडी में पड़ा हुआ है। तो एनर्जी की आपको कमी नहीं होने वाली कहीं से भी, आप उसकी चिंता ना करें। एनर्जी तो आपका जो है जब भी कम पड़ेगा, आप मान लो एक्सेस एक्सरसाइज करेंगे, आपको एनर्जी की आवश्यकता है, तो आपके पास भंडार पड़ा हुआ है, लीवर में है, पूरी बॉडी में है। तो इस प्रकार से जो है सो आपको फ्रूट्स खाना है पूरे दिन। इसमें रसीले फल है, इसमें अभी वाटरमेलन आ रहा है, इसके अलावा आगे पपीता जो है मिलेगा, आपको पपीता खा सकते हैं। तो जितना जिसमें ज़्यादा रस हो उस पर फोकस करें, उसको खाएं। उसके बाद दोपहर के बाद आप केला वगैरह भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो है ओबेसिटी की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल है यदि तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चैनल आपके लिए शुरू किया हुआ है नेचर क्योर, आप इससे जुड़ें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।